हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप आज हम चैप्टर थ्री जो कि वैद्य धारा है इसके एन के अतिरिक्त अभ्यास के प्रश्नों को आगे कर रहे हैं मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आ रहे होंगे थोड़े से डिफिकल्ट से तो हैं लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी आपको आसान लगेंगे मेन बात है आपको इनके पीछे जो इनकी थ्योरी है जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना आवश्यक है और आप इनको जरूर अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा क्योंकि यह बोर्ड में तो हम कह सकते हैं फिर भी इतना हाई डिफिकल्टी लेवल नहीं होता लेकिन यदि आप नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं तो विश्वास मानिए जब आप पेपर देंगे तो आपको ध्यान आएंगे प्रश्न क्योंकि इनका जो स्टैंडर्ड है वो बाकी बुक्स के स्टैंडर्ड की तुलना में काफी अच्छा है तो मेरी सजेशन है यदि आप नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर आप इन प्रश्नों को कीजिएगा तो शुरू करते हैं फिर हमारा अगला प्रश्न है थ्री सही विकल्प छांटिए पहला है धातुओं की मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता प्राय उनकी अवयव धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है औब्लिक कम होती है तो हमें यह बताना है तो जो हमारी धातुएं होती हैं शुद्ध धातुएं होती हैं उनके तुलना में शुद्ध धातुओं को मिलाने के बाद जो मिश्र धातुएं बनती है उनकी प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं के तुलना में अधिक होती है यानी कि हम कहेंगे प्रतिरोधकता क्या होती है अधिक होती है मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अधिक होती है अपेक्षाकृत हम कह सकते हैं शुद्ध धातुओं की तुलना में दूसरा बी पार्ट है आम पर मिश्र धातुओं के प्रतिरोध का ताप गुणांक प्रतिरोध ताप गुणांक जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते थे ये कहते हैं शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध के ताप गुणांक से बहुत कम ऑब्लिक अधिक होता है तो आप ध्यान रखेंगे जो मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है जिसका अर्थ यह होता है कि ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह जो प्रतिरोध ताप गुणांक है यह मिश्र धातुओं का बहुत कम होता है आप ध्यान रखिएगा यह क्या होता है कम होता है तो इसका सही आंसर है कम होता है सी देखें यह है मिश्र धातु मैग्निन की प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि के साथ लगभग स्वतंत्र है और अब्लिक तेजी से बढ़ती है तो मिश्र धातु मैग्निक की जो प्रतिरोधकता होती है वो ताप में वृद्धि के साथ लगभग स्वतंत्र है स्वतंत्र है मतलब इंडिपेंडेंट है उस पर निर्भर नहीं करती क्योंकि मिश्र धातुओं का हमने कहा प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की तुलना में काफी अधिक होता है लेकिन उसका प्रतिरोध ताप गुणांक शुद्ध धातुओं की तुलना में बहुत कम होता है अर्थात यह ताप पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहती ताप पर ज्यादा निर्भर नहीं होती जब हमने इसे पिछली क्लास में एक प्रश्न किया था जिसमें हमने टैबुलेशन से देखा था तो वहां पर देखा था ताप बढ़ने पर मैगनीन का या मिश्र धातु का जो प्रतिरोधकता थी वो नियत थी कॉन्स्टेंट थी उसमें कोई अंतर नहीं आया था तो हम कह सकते हैं कि यह क्या होती है स्वतंत्र होती है इंडिपेंट हो इंडिपेंडेंट होती है यह निर्भर नहीं करती ताप पर ज्यादा अगला है किसी प्रारूपी विद्युत रोधी विद्युत रोधी विद्युत रोधी मतलब जो इंसुलेटर होते हैं उदाहरणार्थ अंबर या आप कह सकते हैं जो शीट होती है उसको भी कह सकते हैं कि प्रतिरोधकता किसी धातु की प्रतिरोधकता की तुलना में इतनी कोटी के गुणांक से बड़ी होती है तो कितनी होती है तो यह होती है दस की घात बाईस यानी कि कितनी दस की घात बाईस कोटि के गुणांक से क्या होती है बड़ी होती है और यह इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है इसी कारण से अपने अंदर से किसी भी कारण से धातु को प्रभा सॉरी धारक को प्रभावित नहीं होने देते इसलिए चालक पदार्थों की तुलना में इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है लगभग दस की घात बाईस कोटि के बराबर होती है हम इस प्रकार से इसको कह सकते हैं तो आप नोट कीजिए इसको फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री पॉइंट टू जीरो इसका ए पार्ट है आपको आर प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधक दिए हैं यानी कि एक प्रतिरोध का जो प्रतिरोध है वो कैपिटल आर है और ऐसे ऐसे कितने दिए हैं हमें एन दिए हैं अब ये कहते हैं आपको अधिकतम तथा न्यूनतम प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आप इन्हें किस प्रकार से संयोजित करेंगे पहली बात और दूसरा अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा देखिए हम जानते हैं कि यदि हमें अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है प्रतिरोधों का तो हमें उनको किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा यानी कि सीरीज में जोड़ना पड़ेगा और यदि हम चाहते हैं उनसे न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो तो हमें उन्हें समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा यहां आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो जो परिणामी प्रतिरोध आता है वो सबसे बड़े वाले प्रतिरोध से भी अधिक होता है और यदि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जो परिणामी आता है वो सबसे छोटे प्रतिरोध से भी थोड़ा सा कम ही आता है तो इस बात को आप यदि ध्यान रखेंगे तो यह वाला प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे तो करते हैं तो ए पार्ट है हमारा तो सबसे पहले कहते हैं अधिकतम प्रभावी प्रतिरोध तो अधिकतम के लिए लिखेंगे अधिकतम के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन तो श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध जो आर रिजल्टेंट होगा उनको यदि जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आर इजिकल टू आर प्लस आर प्लस आर प्लस डॉट 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 कहां तक एन तक तो ये आर आर यानी कि परिणामी रिजल्टेंट जो हमारा आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा एन इन टू आर के बराबर आ जाएगा परिणामी प्रतिरोध आ गया मैक्सिमम लिख लेते हैं आर मैक्सिमम मैक्सिमम कमान इतना आ गया और न्यूनतम के लिए न्यूनतम के लिए तो न्यूनतम के लिए हमने कहा किस क्रम में जोड़ेंगे समांतर क्रम में समांतर क्रम संयोजन यूज करेंगे तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा परिणामी प्रतिरोध वन अपॉन आर जो कि मिनिमम होगा बराबर होगा वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर प्लस डॉट 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 कहां तक एन तक तो परिणामी प्रतिरोध वन अपॉन आर मिनिमम आ जाएगा इन सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा एन आर. तो हमें मिनिमम का मान निकालना है तो ये हमारा क्या आ जाएगा मिनिमम बराबर हमारा आ जाएगा पलट जाएगा ये हो जाएगा, हो जाएगा आर तो मिनिमम का मान भी निकाल दिया और आर मैक्सिमम का मान भी निकाल दिया ये दो तो मान हमने निकाल दिए साथ ही अब क्या कह रहे हैं कि अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा तो लिखेंगे अधिकतम प्रतिरोध बटे न्यूनतम प्रतिरोध इन्हीं का अनुपात पूछ रहे अधिकतम प्रतिरोध आर मैक्सिमम और न्यूनतम प्रतिरोध आर मिनिमम इनका स्... वो कैसे निकालेंगे आर मैक्सिमम बटे आर मिनिमम बराबर आर मैक्सिमम का मान कितना है एनआर और आर मिनिमम का माना है आर बटे एन तो इस आर से तो आर कट जाएगा एन ऊपर चल जाएगा यानी कि आर मैक्सिमम बटे आर मिनिमम एन के एन में गुणा होगी किसके बराबर आ जाएगा एन स्क्वायर के बराबर आ जाएगा तो इन दोनों का जो अनुपात होगा इसके एन स्क्वायर के बराबर होगा तो इस प्रकार से कर सकते हैं तो आप इस फर्स्ट पार्ट को फटाक से नोट कीजिए फिर हम इसका बी पार्ट करते हैं अब हम यदि बी पार्ट देखें तो हमारे पास आता है बी पार्ट है यदि एक ओम दो ओम तीन ओम के तीन प्रतिरोध कितने कितने ओम के दिए हैं एक ओम दो ओम और तीन ओम के तीन प्रतिरोध दिए हैं तो उनको आप किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त तुल्य प्रतिरोध पहला फर्स्ट कितना आ जाए ग्यारह बटे तीन ओम हो सेकंड क्या कह रहा है ग्यारह बटे पांच ओम तीसरा कह रहा है छह ओम और चौथे कह रहे हैं छह बटे ग्यारह ओम ये आपके पास चार परिणाम आने चाहिए लेकिन आपको एक दो तीन ओम के तीन प्रतिरोधों को किस क्रम में आप संयोजित करेंगे तो सबसे पहला हम करते हैं फर्स्ट पार्ट लेते हैं यानी कि ग्यारह बटे तीन ओम के लिए संयोजन संयोजन तो ग्यारह बटे तीन ओम के लिए संयोजन ज्ञात करेंगे हमने कहा ऐसे यदि आप प्रश्न करना चाह रहे हैं तो इसके लिए जो मूल बात है जो मूल ट्रिक है वो यह है कि यदि हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो परिणामी प्रतिरोध का मान सबसे बड़े वाले प्रतिरोध से भी ज्यादा आता है आप ध्यान रखिएगा इस बात को और यदि आप प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ें तो जो परिणामी प्रतिरोध का मान आता है वो सबसे छोटे वाले प्रतिरोध से भी कम आएगा यदि ये दो चीजें आप समझते हैं तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे तो कैसे करेंगे हमने कहा ग्यारह बटे तीन ओम है तो इसका परिणामी कितना आएगा तीन से भाग देंगे तो तीन तीन चौक बारह तीन से अधिक है लेकिन चार से कम है अब कैसे संयोजन होगा देखिए तीन से अधिक है और चार से कम है तो यदि मैं इस तीन प्रतिरोध को बिल्कुल अलग कर दू तो इसका मतलब है कि इस तीन प्रतिरोध को यदि मैं जोड़ू श्रेणी क्रम में लेकिन किसके साथ इन दोनों को यदि पहले मैं समांतर क्रम में जोड़ दूं क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ने से देखिए क्या होगा तो जो परिणामी प्रतिरोध आएगा उस प्रतिरोध का मान जो सबसे छोटा प्रतिरोध है दो और एक में से छोटा प्रतिरोध कौन सा है एक ओम तो परिणामी प्रतिरोध का मान एक से भी कम आएगा और उस एक से भी कम वाले प्रतिरोध को यदि हम तीन में जोड़ देंगे तो हमारा मान लगभग इसके बराबर आ जाना चाहिए तो करते हैं इसे तैयार तो हमने कहा किस क्रम में जोड़ेंगे यदि ये मान ले हम R1 है ये R2 है ये R3 है तो हम कहेंगे ये हमारा आ गया R1, ये हमारा आ गया R1, ये हमारा हो गया R2, और यहां पर हम क्या जोड़ रहे हैं R3 जोड़ रहे हैं इस तरीके से जोड़े तो कैसे आ जाएगा तो परिणाम ही आ जाएगा समांतर क्रम में वन अपॉन आर आर ड बराबर वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन R2. क्योंकि ये दोनों किस क्रम क्रम में में समांतर तो दो तो परिणाम कितना आ गया R to, गया, दो, और गया दो प्लस एक यानी कि आ तीन बटे दो तो तीन बटे दो आरडे का मान आए तो आरड बराबर कितना आ जाएगा दो बटे तीन. तो आडस का मान दो बटे तीन आ गया यानी कि अब इन दोनों के स्थान पर केवल एक प्रतिरोध आ गया जिसका प्रतिरोध आर बटे दो सॉरी दो बटे तीन है जोड़ना है क्रम में। तो लिखेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो क्या आ जाएगा परिणाम आर सॉरी क्योंकि श्रेणी क्रम में तो सीधे मान आ जाएगा आर बराबर आर प्लस क्या आ जाएगा R3. R3. R3 का मान कितना आ गया दो बटे तीन थ्री का मान कितना आ गया? प्रतिरोध आर का मान ग्यारह तो ले तो बटे तीन तो आ गया जो कि हमें ज्ञात करना था तो इस प्रकार से इसे कर सकते हैं ठीक यही सिद्धांत का उपयोग करेंगे हम बी पार्ट में बी पार्ट है ग्यारह बटे पांच सेकेंड पार्ट के लिए देखिए ग्यारह बटे पांच ओम हमें निकालना है फिर से आप पहले इसका परिणाम निकालिए पांच से भाग देंगे तो पांच दूनी दस यानी कि दो से ज्यादा है और तीन से कम है इसका मान अब इसको किस प्रकार से इसका संयोजन करेंगे तो ये इसका मान है दो से ज्यादा यदि हम इन दोनों को दो तथा तीन को यदि जोड़ दें किस क्रम में क्योंकि इन्हें हमें घटाना है इन दोनों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दे जो परिणामी आएगा उसका मान दो से क्या आएगा कम आएगा आप यह समझिए क्योंकि छोटा वाला दो है तो दो से कम आएगा और दो से जो कम आएगा उसको यदि एक में जोड़ देंगे तो परिणामी दो से तो ज्यादा होगा लेकिन तीन से कम होगा तो इसी प्रकार से करते हैं तो हमने कहा क्या करना है एक ओम आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना है और यह वाले किस क्रम में जोड़ने हैं यह हमारा हो गया R1 ये हो गया R2 यह हो गया R3 तो लिखेंगे R2 व R3 समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जोड़ें कितना आ जाएगा वन अपॉन आर एश बराबर वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री आर टू का मान कितना आ गया वन अपॉन टू वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री तो आंसर कितना आ जाएगा ये आ गया छ आ जाएगा यानी कि तीन प्लस दो यानी कि वन अपॉन आर एश बराबर पांच बटे छह यानि कि आड एश बराबर छ बटे पांच और क्या आ गया ओम बटे पांच थोड़ा अच्छे से लिख रहे हैं छबे पांच इसको श्रेणी क्रम में तो लिखेंगे 1, तो, में तो क्या हो जाएगा आर इज इकल टू यह हो जाएगा आर वन प्लस आडस तो आर वन का मान कितना एक प्लस आरडस का मान कितना है छ बटे पांच तो जोड़ देंगे यह हो गया पांच ये हो गया पांच प्लस छह चेह, छह पांच ग्यारह तो आर का मान क्या ग्यारह बटे पांच ओम इस प्रकार से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं तीसरा है हमारा ओम तो छह ओम तो क्या है इसका अधिकतम मान है सबसे बड़े वाले से भी ज्यादा है तो इसका मतलब इन तीनों को किस क्रम में जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में तो तीसरे के लिखे लेके आएंगे श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में तो श्रेणी क्रम में जोड़ें तो क्या आ जाएगा आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री बराबर एक प्लस दो प्लस तीन यानी कि हो गया ओम तो सीधे श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे अगला पार्ट हमारा आ रहा है लास्ट भाग ये है छह बटे ग्यारह तो चौथा पार्ट है इनको तो श्रेणी क्रम में जोड़ना है, ये बटे बटे करते है इसका मान एक से भी कम है देखिए इसको यदि भाग देंगे तो मान एक से भी कम आएगा और सबसे छोटा प्रतिरोध हमारा कौन सा था एक इससे भी कम आएगा इसका मतलब इन तीनों को किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा तो कैसे करेंगे लिखेंगे समांतर क्रम में समांतर क्रम में तो जोड़ दें वन अपॉन आर इज इजिकल टू वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री तो कुल मिला के क्या आ गया एल्शियम हमारा आ जाएगा छः यानी कि हो गया छ प्लस दो तीन छः प्लस तीन धोनी छः तो छः और पाँच ग्यारह बटे छः वन अपॉन आर बराबर कितना हो गया ग्यारह बटे छ तो आर बराबर कितना आ जाएगा आर बराबर हो गया छ बटे ग्यारह तो हमने देखा हमारा आर का मान कितना गया छह बटे ग्यारह उम और यही हमें छह बटे ग्यारह उम ज्ञात करना था तो मूल सिद्धांत यदि आपने समझ किए कि श्रेणी क्रम में यदि प्रतिरोधों को जोड़ो तो जो परिणामी प्रतिरोध का मान आता है वो सबसे बड़े प्रतिरोध से ज्यादा होता है और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो परिणामी प्रतिरोध का मान सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम आएगा इस मूल सिद्धांत को यदि ध्यान में रख के ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे इसी क्वेश्चन का हमारा नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट है चित्र में दिखाए गए नेटवर्कों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए तो पहला नेटवर्क कौन सा ये वाला है दूसरा नेटवर्क ये है तो सबसे पहले ए नेटवर्क को करते हैं आप यदि ध्यान दीजिए तो यह जो हमारा एक ब्लॉक है जिसमें चार प्रतिरोध लगे हैं ऊपर की ओर एक एक ओम के दो प्रतिरोध और नीचे दो दो ओम के दो प्रतिरोध यह सारा का सारा पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वह सेम रिपीट हो रहा है आगे कितनी बार तीन बार और तो टोटल चार नेटवर्क है तो सबका प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए पहले हम पहले वाले का निकाल लेते हैं तो लिख लिखते हैं ये हम निकाल रहे हैं इसका प्रतिरोध पहले निकालते हैं ये एक ओम ये एक ओम ये दो ओम ये दो ओम तो ऊपर वाले जो हमारे हैं वो श्रेणी क्रम में हैं तो एक ओम वाले श्रेणी क्रम में हैं तो परिणामी प्रतिरोध कितना आ जाएगा हम लिख लेंगे R बराबर ओम ओम कि ये कितना हो गया ऐसे लिखते हैं फार्मूले के साथ आर वन प्लस आर टू एक प्लस एक यानी कि दो ओम इसी प्रकार दो ओम वाले नीचे वाले भी दोनों किस क्रम में श्रेणी क्रम में वाले श्रेणी क्रम तो परिणामी क्या आ जाएगा आर डबल डैश बराबर ये हो जाएगा ये भी हो जाएगा मान लेते हैं ये आर टू ये आर थ्री है और ये आर फोर है ये हमारा आर वन ये आर टू ये आर थ्री और इसे मान लिया आर फोर तो आर थ्री प्लस आर फोर कितना गया दो प्लस दो यानी कि ये कितना गया चार ओम इस प्रकार से आ गया अब यह जो परिणामी इनका बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा ये ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा आरडस और ये क्या हो जाएगा आर डबल तो अब ये दोनों किस में समांतर क्रम में तो लिखेंगे आडस तथा आर डबल समांतर क्रम में तो समांतर क्रम में यदि इन्हें जोड़े तो क्या आ जाएगा वन अपॉन आर बराबर आडस यानी कि वन अपॉन आर एस प्लस वन अपॉन आर डबल डश तो वन अपॉन आरड का मन कितना है दो तो एक बटा दो प्लस एक बटा चार यानी कि एल्शियम आ गया चार तो यह दो प्लस एक यानी कि यह हो गया तीन बटे चार तो आर बराबर कितना हो गया चार बटे तीन तो परिणामी प्रतिरोध का मान कितना आया चार बटे तीन ओम के बराबर आ गया ठीक ऐसा ही प्रतिरोध यह भी है यह भी है यह भी है इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे इनको जब सॉल्व करेंगे तो जो परिणामी प्रतिरोध आर निकला है वो इस प्रकार से आ जाएगा यही वाला ये यह एक दो तीन और ये चार ये भी आर ये भी आर ये भी आर ए भी, भी आर क्योंकि एक को पूरा सॉल्व करके हमने आर कमान चार बटे तीन निकाला है वैसे दूसरे को सॉल्व करके भी इतना आएगा तीसरे को भी चौथे को भी इन सबको यदि आपस में जोड़ें, क्योंकि आर कमान कितना है चार बटे तीन तो लिखेंगे आता परिणामी आर डिश बराबर ये हो जाएगा सारे श्रेणी क्रम में आर प्लस आर प्लस आर प्लस, आर प्लस। आर आर तो आर का मान कितना है चार बटे तीन तो यानी कि लिख लेंगे चार बटे तीन प्लस चार बटे तीन प्लस चार बटे तीन प्लस हाँ ठीक है चार बटे तीन यहां हमारा आ जाएगा तो इन सबको यदि आपस में जोड़ेंगे तो कितनी बार आ गया ये चार बार आ गया है तो इसको लिख सकते हैं चार गुणा चार बटे तीन तो आर डे का मान निकल के आ गया बराबर सोलह बटे तीन ओम तो इस नेटवर्क का जो परिणामी प्रतिरोध होगा वो सोलह बटे तीन ओम के बराबर होगा जो कि हम आसानी से निकाल सकते हैं केवल एक नेटवर्क का निकालिए इसका और क्योंकि बाकी सारे सेम है तो चार से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसकी उसको श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए सबके तो परिणाम ही निकल जाएगा तो ये ए पार्ट इस प्रकार से कर सकते हैं अब देखें बी पार्ट बी में आप देखें ये भले इन्होंने जिग जेक करा हुआ है लेकिन ये सारे के सारे श्रेणी क्रम है इनको ऐसे लिख सकते हैं हम ये हमारा ऐसा फिर ये ऐसा फिर ये ऐसा फिर ये ऐसा और फिर ये ऐसा ये आर 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 आर, आर ये ऐसा है यदि तारों को सीधा कर लें तो देख रहे हैं हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे तो श्रेणी क्रम में परिणामी क्या आ जाएगा परिणामी निकल जाएगा आडस बराबर आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर यानी कितना आ जाएगा फाइव आर तो परिणामी का कितना आ जाएगा इस नेटवर्क का जो परिणामी प्रतिरोध होगा वो फाइव आर के बराबर होगा तो इस प्रकार से हम इस खंड को सॉल्व कर सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री पॉइंट टू वन इसके अनुसार किसी जीरो दशमलव पांच ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले बारह वोल्ट के एक संभरण यानी कि सप्लाई से चित्र में दर्शाए गए अनंत नेटवर्क द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए तो आपको क्या मान निकालना है यहां पर आपको ध्यान रखना है धारा का मान ज्ञात करना है प्रत्येक प्रतिरोध का मान ओम है, यानी कि जितना भी ये प्रतिरोध लगे सबका मान क्या है ओम है देखिए इस नेटवर्क द्वारा ली गई धारा का मान आप तब निकाल पाएंगे यदि आपको इस पूरे के पूरे नेटवर्क और साथ ही इस जो सेल के साथ जो आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है इसको सम्मिलित करते हुए इस पूरे के पूरे परिपथ का हमें कुल प्रतिरोध ज्ञात हो जाए क्योंकि प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा तो आप देखिए हमें वोल्टेज दे रखी है तो वी इक्वल टू क्या होता है आई आर तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी अपन आर तो उस फार्मूले से हम धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें इस नेटवर्क का क्या करना पड़ेगा प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह नेटवर्क यहीं पर समाप्त नहीं है यह अनंत तक इसी प्रकार से बना हुआ है तो आखिर इसको किस प्रकार से करेंगे तो इसको करने के लिए एक हम कह सकते हैं शॉर्टकट मेथड है, एक अच्छा तरीका यह है कि हम ये मान लें कि मान लेते हैं इस अनंत नेटवर्क का जो कुल प्रतिरोध है वह मान लेते हैं एक्स है तो लिख लेते हैं माना माना अनंत नेटवर्क का कुल प्रतिरोध एक्स है हमने x मान लिया अब x मान लिया तो हम ये मान सकते हैं यदि पूरे नेटवर्क का प्रतिरोध x है तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं इसी वाले को हम यदि इस पूरे का प्रतिरोध x मान लें, हमने कहा एक इस प्रकार से बना रहे हैं हम ये हमारी 12 वोल्ट 0.5 ओम 12 वोल्ट की सप्लाई 0.5 ओम की बैटरी यहां जुड़ी हुई है और इसके साथ में जो हमने ये अनंत माना है इसका जो प्रतिरोध है ये तो एक ओम ही है ये एक ओम ही है ये एक ओम ही है इसको मान लिया हमने इसका प्रतिरोध क्या है एक्स अब आप सोच रहे होंगे सर आपने ये पीछे के तीन प्रतिरोध तो ये सारे एक ओम के हैं एक ओम एक ओम पीछे के तीन प्रतिरोध तो ऐसे कैसे ले लिए केवल उसके आगे वाले को एक्स ले लिया देखिए अनंत नेटवर्क है इस अनंत नेटवर्क से एक हिस्से को मैं हटा भी दूंगा तो अनंत पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं तो हमने क्या करा केवल एक हिस्से को एक हिस्से को अलग कर लिया तो बाकी पूरे के पूरे जितने भी यह प्रतिरोध होंगे अनंत तक उनका प्रतिरोध में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए तो इस बिंदु के सापेक्ष यदि देखें तो यह दोनों के दोनों एक्स आर वन ओम वाला किस क्रम में जुड़े हुए हैं या समाधान क्रम में जुड़े हुए हैं तो लिखते हैं एक्स तथा वन ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर समांतर क्रम में जोड़े तो क्या आ जाएगा परिणामी वन आर। समांतर क्रम में जोड़ें वन अपॉन आर इजिकल टू या इसका कोई निशान ले, ले लेते हैं आरड परिणामी तो ये आ जाएगा पहला प्रतिरोध एक्स है तो वन अपॉन एक्स प्लस दूसरा प्रतिरोध है वन अपॉन वन तो परिणामी क्या आ जाएगा इनका एक्स ये आ जाएगा वन प्लस एक्स वन अपॉन आर डैश बराबर वन प्लस एक्स अपॉन एक्स तो यानी कि आर बराबर आ जाएगा एक्स अपॉन वन प्लस एक्स तो अब इस वाले नेटवर्क को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके बनाऊं तो यह नेटवर्क किस प्रकार से बनेगा यह इस प्रकार से बन जाएगा यहां पर ये एक ओम का है ये एक ओम का है और ये वाला हमारा कौन सा है है ये तीन हमने जोड़ दिए और इन्हीं के आगे बैटरी लगी हुई थी अब ये तीनों के तीनों किस क्रम में श्रेणी क्रम में तो इन तीनों का कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं तो अतः लिखते हैं अतः परिणामी प्रतिरोध इसका परिणामी प्रतिरोध को आर डबल से प्रदर्शित कर रहे हैं तीनों श्रेणी क्रम में है तो आर डबल एस बराबर आ जाएगा वन प्लस आर एस प्लस वन इतने के बराबर आ जाएगा तो यानी कि इसको लिख सकते हैं वन की वैल्यू तो आगे वन प्लस आर डे की वैल्यू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स प्लस वन यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स अपॉन वन प्लस एक्स प्लस टू सॉल्व करें तो ये आ जाएगा वन प्लस एक्स तो ऊपर आ गया एक्स और यहां पर आ गया टू इंटू वन प्लस एक्स इसे भी यदि सोल्व करें तो क्या आ जाएगा आर डबल एस का मान कितना निकल के आएगा हमारा आर डबल एच बराबर ऊपर आज एक्स और दो से अंदर गुणा कर दे तो एक्स प्लस टू प्लस टू एक्स एक्स प्लस दो से दो प्लस टू एक्स बटे वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स तो आर डबल प्रतिरोध का जो मान निकल के आया वो लगभग इसके बराबर हमारा आ गया अब यहां पर हम एक बात और कहना चाह है। रहे हैं हम ये कह रहे हैं हमने इस पूरे नेटवर्क का प्रतिरोध तो निकाल लिया लेकिन इस नेटवर्क का परिणामी प्रतिरोध हमने शुरू में क्या मान लिया था मान लेते हैं एक्स है इसका अर्थ है जो परिणामी प्रतिरोध है आर डबल एस उसका मान एक्स के ही बराबर होगा तो लिखेंगे चूंकि सभी प्रतिरोधों का का परिणामी एक्स है अतः आर डबल डैश को हम किसके बराबर मान लेंगे एक्स के बराबर मानेंगे क्योंकि जो हमने शुरू में ही मान लिया है तो आर डबल डैश का मान क्या हो गया एक्स बराबर ये हो गया इनको जोड़ देंगे यहीं पे जोड़ दें तो दो प्लस एक ये कितना हो जाएगा थ्री एक्स और प्लस टू अपॉन नीचे क्या है वन प्लस एक्स तो लिखते हैं इसको यह हो गया थ्री एक्स प्लस टू अपॉन वन प्लस एक्स इसकी यहां मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स इंटू वन प्लस एक्स बराबर थ्री एक्स प्लस टू तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इसको इधर ले आए तो माइनस थ्री एक्स माइनस टू बराबर क्या हो जाएगा जीरो तो समीकरण आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ये थ्री एक्स है प्लस का एक्स है तो माइनस टू एक्स माइनस टू बराबर जीरो तो इस समीकरण से हम x के मान यदि निकाल लें तो हमें इस नेटवर्क का प्रतिरोध पता चल जाएगा तो इसके लिए हमने एक प्रमेय पढ़ी थी एक हमारा सूत्र था श्रीधराचार्य सूत्र जिसका इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारी होती है मानक समीकरण होती है ए एक्स स्क्वास प्लस सी बराबर जीरो इन दोनों की तुलना करें तो ए का मान हो गया वन बी का मान हो गया माइनस दो और सी का मान हो गया माइनस दो अब यदि हम x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए इसके बराबर होता है तो वैल्यू यहां से मान रखते चले जाए तो x बराबर माइनस बी माइनस की माइनस गुणा होगी तो प्लस का दो प्लस माइनस अंडर रूड बी स्क्वायर दो का स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का चार माइनस फोर ए सी तो ए का मान हो गया एक और सी का मान है माइनस दो तो दो की चार में गुणा करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा आठ इतना लिख लिया बटे नीचे कितना हो गया दो और ए का माने वन तो दो ही कम दो इसको ऐसे लिख सकते हैं दो प्लस माइनस अंडरूढ़ है आठ और चार कितना हो गया बारह तो लिख लेते हैं अंडरूड बारह बटे दो तो एक्स फिर से ऐसे लिख सकते हैं योग दो प्लस बारह को लिख सकते हैं चार गुणा तीन और चार क्या होता है दो का वर्ग होता है तो वो बाहर आ जाएगा दो अंडरूड तीन बटे दो तो दो को कॉमन लेके यदि काट दें तो हम लिख सकते हैं दो वन सॉरी यहां पर प्लस माइनस चल रहा है यहां पर माइनस भी आएगा प्लस माइनस योग्य अंडर रूड तीन बटे कितना आ गया दो तो दो से दो कट गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई वन प्लस माइनस अंडर रूड थ्री तो एक्स के दो मान आ गए और हम जानते हैं जो एक्स का जो मान होता है वो होता है एक दशमलव सात तीन दो तो हम लिख सकते हैं इसको एक प्लस माइनस अंडरूड तीन का मान एक दशमलव सात तीन दो तो दो मान आ गए एक तो एक्स का मान कितना आ जाएगा वन प्लस तो यह आएगा दो दशमलव सात तीन दो दूसरा जेगा एक माइनस सात तीन दो तो दूसरा मान आएगा देखिए माइनस वाला वो माइनस में होगा यानी कि x तो तो का तो नहीं हो सकता इसलिए तो देंगे? छोड़ देंगे तो मान क्या ले लेंगे ये वाला ले लेंगे अब इसको आगे कैसे करें देखिए यहां तक परिणामी प्रतिरोध तो निकाल दिया पर इस नेटवर्क में आंतरिक प्रतिरोध भी है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध परिणामी प्रतिरोध बराबर आ जाएगा x प्लस आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल R के बराबर होगा और हमें दिया है स्मॉल R बराबर जीरो दशमलव पांच ओम ये हमें दिया है यहां पर पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा था किसी जीरो दशमलव पांच अंतरिक्रो प्रतिरोध तो ये लिख दिया तो इसकी वैल्यू यदि कैलकुलेट तो का का मान मान आ गया दो लग, दो, प्लस कितना जीरो दशमलव पांच तो जोड़ दें तो ये हो गया दो तीन सात और पांच बारह और दो और एक तीन तो तीन दशमलव दो तीन दो ओम क्या हो गया कुल प्रतिरोध परिपथ का निकल के आ गया हमें क्या ज्ञात करना है हमें तो धारा का मान ज्ञात करना है ना तो हम लिखते हैं चूंकि धारा आई बराबर होगी वी अपॉन आर के बराबर कैपिटल आर लिख लेते हैं तो कुल प्रतिरोध हमने कितना निकाल लिया ये आर है तो वी का मान कितना दिया है देखिए 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ी हुई है तो हमने लिख लिया 12 बटे आर का मान कितना दिया है आर का मान है 3.232 दशमलव और जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो मान निकल के आता है आई का मान होता है तीन दशमलव सात दो एमपी और इस प्रकार से हम इस दिए गए नेटवर्क जो कि अनंत तक इसी प्रकार से बना हुआ था इसमें बहने वाली धारा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं तो मुझे लगता है कठिन नहीं है आसान है एक सिंपल सा प्रोसेस है यदि आप उसे फॉलो करेंगे तो आसानी से मान निकाल सकते हैं तो आप नोट कीजिए फिर हम अगला क्वेश्चन करते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री पॉइंट टू टू और देखने में लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं क्वेश्चनों का एक समूह है ग्रुप ऑफ क्वेश्चन हैं लेकिन प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है ये केवल एक सिंगल क्वेश्चन है और यकीन मानिए कि क्वेश्चन जितना बड़ा है इसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा है इस क्वेश्चन को लिखने में ही हमें बहुत ज्यादा समय लग गया पर क्योंकि हमारा एक पैटर्न है कि हम लिख करके फिर इसके बाद आपको आंसर समझाते हैं और इसका मूल कारण यह है कि हम चाहते हैं आप क्वेश्चन को लाइन बाई लाइन पढ़ करके उसके बाद आप उसके सॉल्यूशन करें और यदि यह तरीका हम आपसे आपको सिखाना चाहते हैं तो हमें क्वेश्चन लिखना पड़ता है अदरवाइज हम चाहते हैं तो केवल किताब से पढ़ करके इसका काम चला लेते हैं लेकिन हम चाहते हैं आप एक एक लाइन को समझें उसके बाद हम क्वेश्चंस को आगे करें तो शुरू करते हैं फिर कोई बात नहीं लंबा क्वेश्चन है लेकिन सॉल्यूशन बहुत आसान है आप प्रश्न पत्र में जिस प्रश्नों को देख करके ज़्यादा डरते हैं जो बहुत बड़े लंबे होते हैं वास्तव में देखा जाए उनका सॉल्यूशन उतना कम होता है क्योंकि क्वेश्चन में इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर दिया जाता है इतना अधिक उसको डिटेलिंग में आपको बस समझा दिया जाता है कि आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए लेकिन उससे पहले डरना नहीं है लंबा क्वेश्चन देख के तो फिर शुरू करें क्वेश्चन है कि चित्र में एक पोटेंशियोमीटर दर्शाया गया है ये एक चित्र है और ये पोटेंशियोमीटर हम जानते हैं पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है एक किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए और दूसरा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यानी कि विभव मापी का उपयोग करते हैं

इसकी वोल्टेज ये दे दी सेल की पोटेंशियोमीटर के प्रतिरोधक तार ए बी पर वोल्टता पात बनाए रखता है यानी कि ये सेल द्वारा इस ए बी के बीच में जो हम कह सकते हैं विभव पतन है ये इसको मेंटेन कर रहा है साथ ही क्या कहता है कोई मानक सेल जो एक दशमलव जीरो दो वोल्ट का अचर विद्युत वाहक बल बनाए रखता है तो हमें एक दूसरा सेल दे दिया यहां पर जो कि क्या कर रहा है एक कांस्टेंट ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है एक अचल विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर रहा है और कुछ मिली के धाराओं के लिए यह वोल्टेज लगा रहा है, रहा है है मेंटेन कर तार की सेंटीमीटर लंबाई पर संतुलन देता है है तो देखिए संतुलन संतुलन कैसे आता है? संतुलन का अर्थ होता है कि इस सेल से जिसको हम ड्राइवन सेल कहते हैं जब एक ऐसा बिंदु हमें प्राप्त होता है जब एक तरफ से बहने वाली धारा का मान दूसरी तरफ से बहने वाली धारा के इक्वल और अपोजिट हो जाए तो वो हमें संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाती है और वह संतुलन की स्थिति इस मानक सेल के लिए जो भी हमने मानक सेल लिया है जिसकी वोल्टेज कितना है, एक दशमलव जीरो दो वोल्ट तो हम लिख लेंगे ईवन का हम मान दे दिया एक दशमलव जीरो दो वोल्ट इस पर हमें कहा मिल रहा है संतुलन सड़सठ दशमलव तीन सेंटीमीटर पर तो एलवन बराबर है सिक्सटी सेवन पॉइंट थ्री सेंटीमीटर पर हमें प्राप्त हो रहा है मानक सेल से अति न्यून धारा लेना सुनिश्चित करने के लिए इसके साथ परिपथ में 600 किलो ओम का एक अति उच्च प्रतिरोध इसके साथ संबद्ध कर दिया जाता है तो इसी के साथ हमने एक 600 किलो ओम का क्या लगा दिया एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिससे परिपथ में धारा का मान धीरे धीरे जाए इसलिए धीरे धीरे जाए जिससे हमारा एपरेटस किसी विशेष स्थिति में कि एक साथ यदि धारा ज्यादा धारा चली जाएगी तो एपरेटस खराब ना हो इस स्थिति के लिए हमने क्या लगा दिया एक अति उच्च प्रतिरोध बीच में कनेक्ट कर दिया जिससे धारा धीरे धीरे बहे तो ये कहते हैं संबद्ध कर दिया जाता है जिसे संतुलन बिंदु प्राप्त होने के लिए लघु पथित कर दिया जाता है जैसे ही हमें संतुलन बिंदु प्राप्त होता है उससे पहले हम इसे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं यहां से तो कर दिया जाता है इसके बाद मानक सेल को किसी अज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो मानक सेल यहां से हटा दिया अब एक दूसरा सेल लगा दिया मान लेते हैं उस सेल का विद्युत वाहक बल क्या है ई टू प्रतिस्थापित कर दिया जाता है जिससे संतुलन बिंदु तार की बयासी दशमलव तीन सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है यानी कि हमें एल टू कहाँ प्राप्त हो रहा है बयासी दशमलव तीन सेंटीमीटर पर प्राप्त हो रहा है अब हमें क्या ज्ञात करना है ई e का मान क्या है ई e क्या है यह वाला दूसरा सेल इसका मान हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है पहली बात। तो कैसे ज्ञात करेंगे पोटेंशियोमीटर मीटर का सीधा सीधा सिद्धांत है ई वन अपॉन ई टू बराबर होता है एल वन अपॉन हमें तो ई टू का मान चाहिए तो यहां से क्या आ जाएगा ई टू को इधर लेके यहां बराबर हो जाएगा ई वन गुणा एल टू अपॉन वन के बराबर वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा इधर ही रख लेते हैं तो E2 बराबर हमारा मल्टीप्लाई एल टू का मान बयासी दशमलव तीन बयासी दशमलव तीन बटे नीचे आ गया एलवन का मान यह हमारा है ये गया जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो ई टू का मान जो दूसरा सेल है उसका मान आता है एक दशमलव दो चार सात वोल्ट तो मानक सेल को प्रतिस्थापित करके हमने जिस नए सेल को उपयोग में लाए हैं नया सेल जो लगाया है उसका जो विद्युत वाहक बल है इतने के बराबर है जिसका संतुलन बिंदु हमें बयासी दशमलव तीन सेंटीमीटर पर प्राप्त हो गया था तो ये ए पार्ट तो हमारा हो गया दूसरा ये क्या कहते हैं बी पार्ट छ किलो ओम के प्रतिरोध का क्या प्रयोजन है तो देखिए 600 किलो ओम के प्रतिरोध का प्रयोजन यह है कि वह इस अप्रेट को इस गैल्वेनोमीटर को सेफ रखता है क्यों सेफ रखता है देखिए हमें संतुलन बिंदु मान लेते हैं बीच में प्राप्त हो रहा है यहां पर यानी कि इसके एक सिरे पर जाने पर गैल्वेनोमीटर देखिए किस प्रकार से होता है थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं यहां पर थ्योरी में काफी बार बताया है यह होता है जीरो पॉइंट इससे इधर की ओर भी धारा होती है मान लो एक है यहां पर दो है और यहां पर तीन है और इधर की ओर भी धारा होती है एक दो तीन इस प्रकार से और इसके सुई बीच में होती है तो यदि संतुलन बिंदु बीच में है तो ये बीच में प्राप्त होता है यदि आप इस गेलोनोमीटर के इस जौकी को सीधे यहां ले जा लेंगे तो एक तरफ धारा का मान तेजी से बढ़ जाएगा और यदि धारा मान गैलोनीमीटर में एक्सेस धारा आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा खराब होने की संभावना रहती है इसलिए हम क्या लगा देते हैं बीच में एक 600 किलो ओम का प्रतिरोध लगा देते हैं इसका अर्थ है कि 600 किलो ओम के प्रतिरोध से जो धारा बहेगी वो धीरे-धीरे बहेगी धीरे कम धारा बहेगी जिसके कारण हमारा एपरेटस क्या होगा सेफ होगा इसीलिए इसने क्वेश्चन में कहा है कि जैसे ही हमें संतुलन बिंदु प्राप्त होता है Osionfish. जिसे संतुलन बिंदु प्राप्त होने के लिए के निकट लघु पथित कर देते हैं यानी कि जैसे ही आपको संतुलन बिंदु प्राप्त हो ये ऊपर वाली की को हम क्या कर देते हैं टैप कर देते हैं तो धारा यहां से करके चली जाती है तो हम कह सकते हैं है ये सेफ्टी के लिए है हमारा बी पार्ट है प्रतिरोध का क्या प्रयोजन है तीसरा कहते हैं क्या इस उच्च प्रतिरोध से संतुलन बिंदु प्रभावित होगा संतुलन बिंदु उच्च प्रतिरोध से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा क्योंकि तो सेफ्टी के ऑफ व्यू से रखा हुआ है हमने अगला डी पार्ट यह कह रहा है क्या परिचालक सेल के आंतरिक प्रतिरोध से संतुलन बिंदु प्रभावित होगा हमारा परिचालक सेल कौन सा है ये वाला सेल यह सेल है हमारा परिचालक सेल और इसका ये है आंतरिक प्रतिरोध तो परिचालक सेल के आंतरिक प्रतिरोध से भी संतुलन बिंदु प्रभावित नहीं होता है तो यहाँ पर हमें ये बात समझ में आ गई क्योंकि इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारा क्या सिद्धांत होता है हमारा विभव मापिका विभव मापी का, का सिद्धांत होता है कि परिपथ में धारा बहेना क्योंकि गैलवनमीटर के संतुलन की स्थिति का अर्थ है कि परिपथ में अब कोई धारा नहीं बह रही है जब परिपथ में धारा बहेगी नहीं तो हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध के कम ज्यादा होने का कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है अगला उपयुक्त स्थिति में यदि के सेल का दो वोल्ट के स्थान पर एक यह विधि रहेगी तो यह नया हमारे पास हमने मानक सेल के स्थान पर जो प्रतिस्थापित करके नया सेल लगाया था उसका वोल्टेज कितना है? एक दशमलव दो सात तो यदि ड्राइवर सेल परिचालक सेल की वोल्टेज इस वाले मानक सेल या इस सेल से कम होगी तो इस विधि से हम परिपथ में इस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि ड्राइवर सेल का प्रतिरोध यहां पर लगाए गए सेल से सेल के प्रतिरोध से चाहे वो मानक सेल हो चाहे फिर जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो उस सेल के विद्युत वाहक से, बल से इस वाले सेल का विद्युत वाहक बल हमेशा ज्यादा होना चाहिए तो यदि दो की बजाय वन कर दोगे तो इन के तो हो गए ज्यादा इसका मान भी ज्यादा हो गया इसका मान भी ज्यादा हो गया और इस वाले का मान हो जाएगा कम तब नहीं यह काम करेगा तो इसका मान इन दोनों से क्या होना चाहिए हमेशा ज्यादा होना चाहिए इसकी वोल्टेज ज्यादा होनी चाहिए अगला कहते हैं क्या यह परिपथ कुछ मिली वोल्ट की कोटी के अत्यल्प विद्युत वाहक बलों जैसे कि प्रारूपी ताप विद्युत युग्म का विद्युत वाहक बल के निर्धारण में सफल होगी तो हम कहेंगे यह बिल्कुल सफल नहीं होगी अत्यधिक सूक्ष्म यदि आप मिली वोल्ट की बात कर रहे हैं तब ये कोई काम करने वाला नहीं है यानी कि यहां पर एक ऐसी चीज हम लगा दें जिसकी वोल्टेज बहुत कम हो मिली वोल्ट हो दस की गत, माइनस तीस वोल्ट तीन वोल्ट की कैटेगरी की हो तो उस स्थिति में उस वी, इस विधि से हम उस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात तो नहीं कर सकते क्योंकि पोटेशियम मीटर का तो काम ही यही है ना इस अपरेटस में यदि नहीं तो आप इसमें किस प्रकार संशोधन करेंगे कहता है अगर ये ऐसा नहीं कर पा रहे हो आप तो क्या संशोधन करेंगे तो देखिए संशोधन करने का तरीका ये है कि हम इसके श्रेणी क्रम में इस सेल के जो भी हम सेल यूज करेंगे उसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगा देंगे यदि उच्च प्रतिरोध लगा देंगे तो परिपथ में धारा का मान कम हो जाएगा और धारा का मान कम होने से क्या होगा जो हम विभव प्रवणता यूज कर रहे हैं इस सेल की इस सेल की विभव प्रवणता का मान घट जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा आसानी से हम उस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर पाएंगे और नहीं करेंगे यदि उच्च प्रतिरोध को नहीं लगाए सेल के साथ श्रेणी क्रम में तो हमें जो इसका विद्युत वाहक बल में संतुलन बिंदु मिलेगा वो बिल्कुल एक के समीप होगा बिल्कुल यहां पर समीप में हो जाएगा तो उस स्थिति में हमें ठीक ठीक रीडिंग प्राप्त नहीं होगी तो इस प्रकार से हम इस सेल को सॉरी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन लंबा है आपने देखा लेकिन आंसर देखिए काफी छोटा है केवल तार्किक रूप से है ये पूरी की पूरी यदि देखी जाए ये पूरा स्टेटमेंट एक प्रकार से सीधे पोटेंशियोमीटर के सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहा है तो यदि आपको नहीं भी आता है सिद्धांत तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे आसानी से आ जाएगा तो आप इसको नोट कीजिए फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और को जो क्वेश्चन है यह भी बिल्कुल पोटेशियोमीटर के ही सिद्धांत पर आधारित है तो देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन है थ्री पॉइंट टू थ्री चित्र में चित्र दो प्रतिरोधों की तुलना के लिए विभव मापी परिपथ दर्शाता है यानी कि विभव मापी पोटेंशियोमीटर का जो यूज है इस बार हम कर रहे हैं दो प्रतिरोधों की तुलना कर रहे हैं एक प्रतिरोध है आर, और दूसरा प्रतिरोध है एक्स मानक प्रतिरोध आर यानी कि आर की इसने वैल्यू दे दी आर बराबर दे दिया दस ओम के साथ संतुलन बिंदु अट्ठावन दशमलव तीन सेंटीमीटर पर यानी कि यदि आर है तो संतुलन बिंदु एल वन बराबर है अट्ठावन दशमलव तीन सेंटीमीटर पर तथा अज्ञात प्रतिरोध एक्स के साथ जब प्रतिरोध क्या हो जाएगा अज्ञात प्रतिरोध x के साथ संतुलन बिंदु जो है वह हमें प्राप्त होता है अड़सठ दशमलव पांच सेंटीमीटर पर यानी कि l2 का मान दे दिया अड़सठ दशमलव पांच सेंटीमीटर x का मान ज्ञात कीजिए एक तो इस x का मान ज्ञात करना है यदि आप दिए गए सेल e से संतुलन बिंदु प्राप्त करने में असफल रहते हैं दिया गया सेल कौन सा ये वाला सेल तो आप क्या करेंगे हमें यह बात भी बतानी है तो सबसे पहले हम क्या याद करते हैं एक्स का मान याद करते हैं इसके लिए मैंने ये मान लिया कि मान लेते हैं जब परिपथ में आर प्रतिरोध लगाया जाता है तो इसके कारण जो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा संतुलन बिंदु क्या होता है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि विभव पतन को ही तो प्रस्तुत करता है और वह विभव पतन जो हमने लिया इस आर के कारण वह विभव पतन मान लेते हैं ईवन और x के कारण जो विभव पतन हो रहा है वो मान लेते हैं ई टू है तो E बराबर E क्या है एक प्रकार से वोल्टेज और V बराबर क्या होता है आई आर तो मैं यदि कहूं यदि परिपथ में आई धारा प्रवाहित हो प्रवाहित हो परिपथ में रहने वाली धारा क्या है आई तो हम लिखेंगे E1 बराबर V बराबर क्या होता है आई आर यानी कि आई का मान तो ये है और R का मान आ गया इसी प्रकार e2 बराबर क्या हो जाएगा e2 बराबर परिपथ में बहने वाली धारा तो i है लेकिन प्रतिरोध क्या हो गया x तो हम e1 वन बटे ई को का यदि यहां से मान निकालेंगे तो हम लिखेंगे e1 वन बटे ई बराबर ये हो जाएगा IR Ix. तो आई आर बटे आई एक्स तो i से i कट गया यानी कि किसके बराबर गया आर बटे एक्स मुझे तो एक्स का मान याद करना है तो क्या हो गया एक्स बराबर आ जाएगा एक्स इधर आ जाएगा ई ऊपर बटे ई नीचे और मल्टीप्लाई क्या गया आर तो ये हमें एक्स का मान पता चल गया लेकिन हमें E2 e1 का मान पता नहीं है पर हम जानते हैं सिद्धांत हमें क्या कहता है विभव के सिद्धांत से विभव मापी का सिद्धांत कहता है कि सेल के जो विद्युत वाहक बलों का जो अनुपात होता है यानी कि ईटूपन e1, e1 बराबर होगा एल टूपन l1 के तो e2 upon e1 का मान l2 upon l1 रख दें तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा l2 upon l1 multiply r देखिए e2 upon e1 का मान क्या है? l2 upon l1 हमने यहाँ रख दिया तो अब वैल्यू निकाले x बराबर सॉरी हाँ ये x ही चल रहा था ना देखिए यहाँ इससे थोड़ा सा इसको डॉट लगा देते हैं तो ये जो हमारा x है ये हमें confuse नहीं करेगा से से तो, दिया है दस ओम तो जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा मान निकल के आता है ग्यारह दशमलव सात पांच ओम के बराबर होगा यानी कि जो अज्ञात प्रतिरोध होगा एक्स उसका मान ग्यारह दशमलव सात पांच ओम होगा तो इतना हमें पता चल गया अभी आगे कह रहा है कि यदि आप दिए गए सेल ई से संतुलन बिंदु प्राप्त करने में असफल रहते हैं तो आप क्या करेंगे देखिए बिल्कुल पिछले पिछले वाले वाले प्रश्न प्रश्न की तरह है जो पिछले वाले का जो का लास्ट खंड था जिसमें उसने कहा था कि यदि ड्राइवर सेल का मान इन वाले सेलों से क्या हो जाए कम हो जाए तो क्या आप इस विधि से पोटेंशियोमीटर वाली विधि से विभोपी की सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल यांत्रिक प्रतिरोध या प्रतिरोधों का मान ज्ञात कर सकते हैं तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं कर सकते ड्राइवर सेल का मान इस मानक सेल से या जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर रहे हैं उसकी तुलना में क्या होना चाहिए हमेशा ज्यादा होना चाहिए तो क्या कह रहे हैं ये कि यदि असफल रहते हैं तो क्या करेंगे क्या करेंगे हम क्या करेंगे जो हमारा ड्राइवर सेल है इसके मान को बढ़ा देंगे एक ऐसा सेल ले, ले लेंगे जिसके द्वारा जो वोल्टेज दी जा रही है उसका मान ज्यादा हो तो यदि ये करेंगे तब हम क्या कर सकते हैं इस चीज को ज्ञात कर सकते हैं तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं काफी आसान है विभव मापी के सिद्धांत पर आधारित है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.24 इसके अनुसार चित्र में किसी एक दशमलव पांच वोल्ट के सेल का आंतरिक प्रतिरोध मापने के लिए एक दो दशमलव जीरो वोल्ट का पोटेंशियो मीटर दर्शाया गया है यह दिखा रखा है खुले परिपथ में सेल का संतुलन बिंदु छिहत्तर दशमलव तीन सेंटीमीटर पर मिलता है यानी कि एलवन का मान दे दिया छिहत्तर सेंटीमीटर खुले परिपथ में और साथ में कहते हैं सेल के वाहे परिपथ में 9.5 ओम का प्रतिरोध यानी कि हमें R की वैल्यू कितनी दी दी 9.5 ओम का प्रतिरोध संयोजित करने पर संतुलन बिंदु पोटेंशियोमीटर के तार पर 64.8 सेंटीमीटर लंबाई पर पहुंच जाता है यानी कि L2 बराबर हो गया 64.8 सेंटीमीटर सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या है यानी कि हमें R ज्ञात करना है देखो यह जो हमारे तीनों क्वेश्चंस हैं आप देखा जाए तो यह पोटेंशियल मीटर के तीनों जो एप्लीकेशन हैं उसको भी दर्शाते हैं हमारा पहला जो प्रश्न था वह प्रश्न पोटेंशियल मीटर का था किसी सेल का आंतरिक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना किसी सेल का जो अज्ञात है अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल को ज्ञात करना तो एक हमको यह पता चल गया था दूसरे स्टेप पे हमने देखा था कि दो हम हमारे पास प्रतिरोध तार हैं उनमें से प्रतिरोध तार एक प्रतिरोध तार का यदि हमें प्रतिरोध ज्ञात नहीं है तो उसके प्रतिरोध के मान को हम ज्ञात कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर की हेल्प से तो दूसरी एप्लीकेशन ये होगी और तीसरी पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन देखिए जिसमें हम किसी दिए गए सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात कर रहे हैं तो बड़े अच्छे तरीके से एनसीईआरटी ने क्वेश्चंस बनाए हैं हमें यह भी पता चल रहा है कि यहां पर पोटेंशियोमीटर के क्या क्या उपयोग हैं तो फिलहाल इस प्रश्न को करते हैं हमें सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र पता होता है R इजिकल टू ये होता है L1 वन अपॉन एल माइनस वन इन टू के बराबर होता है तो वैल्यू यदि पुट कर दें तो कितनी आ जाएगी L1 का मान कितना है 76.3 दशमलव बटे एल का मान है 64.8 फोर माइनस वन जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो मान निकल के आता है वो आता है माइनस वन का मान आर का मान कितना है नाइन तो कैलकुलेट करें तो स्मॉल आर का जो मान निकल के आता है, वो वन पॉइंट सिक्स एट ओम के बराबर होता है इसका अर्थ है कि इस दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होगा एक दशमलव छह आठ ओम के बराबर होगा तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं तो प्यारे बच्चों यहां हम चैप्टर थर्ड के जो एडिशनल एक्सरसाइज है अतिरिक्त अभ्यास है उसके प्रश्नों को यहां पर खत्म करते हैं पूर्ण हो गए हमारे मुझे उम्मीद है आपको यह चैप्टर के जो क्वेश्चंस थे काफी आसान लगे होंगे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था यह सारे के सारे प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो है ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है तो आप अच्छे से अभ्यास कीजिए और आप देखिए वहां एग्जाम्स में आपको इससे मिलते जुलते या यही प्रश्न आपको मिल जाएंगे यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं आपको आसानी से समझ में आ जाएगा लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको कहीं ना कहीं आपका रवैया ढुलमुल रहेगा तो पहले जाकर के जो मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं इस चैप्टर्स के पहले उनको कंप्लीट तसल्ली से देखिए फिर आप आकर के तभी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको आसानी से समझ में भी आएगी और आप आसानी से नहीं कर भी पाएंगे तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के एडिशनल एक्सरसाइज के साथ तब तक के लिए गुड बाय